खबर कासमाबाद गाजीपुर से है, जहां पिछले दिनों क्षेत्र के सोनबरसा रामलीला मैदान में जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता राम प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सिंह के नेतृत्व में जनसंवाद एवं स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर रहे। कार्यक्रम में सत्य प्रकाश सिंह पप्पू ने जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के रूप में कासमाबाद पंचम क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हुए अपनी ताकत का एहसास दिखाने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कैबिनेट मंत्री के पास अपनी टिकट की दावेदारी भी पेश किया था, तथा उन्होंने बताया था कि मैं लगातार कई वर्षों से समाज सेवा का कार्य करता हूं एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भरपूर सहयोग करने के लिए मैं जिला पंचायत सदस्य कासमाबाद पंचम क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन बनाया। उसके उलट किन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची में भावी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के नाम पर इनकी घोषणा नहीं की है, जिसके बाद पप्पू सिंह का कहना है कि मैं इस बार चुनाव निर्दलीय लड़ूंगा और भाजपा को इसका जवाब जीत हासिल करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ दिन रात खड़े रहने वाली जनता मेरे समर्थन में है और मैं बचपन से ही मेरा लक्ष्य समाज की सेवा करना है, न कि राजनीति के माध्यम से कोई व्यापार या पैसा कमाना। जनता का कहना है कि अगर भाजपा से टिकट नहीं मिला तो क्या हुआ, आप निर्दलीय चुनाव लड़े और हम सभी आपको आपके कार्यों को देखते हुए जीत दिलाएंगे। कासमाबाद गाजीपुर से सरफराज अहमद की रिपोर्ट। नाम है आपका? सत्य प्रकाश सिंह पप्पू। कहाँ घर है? पृथ्वीपुर के रहने वाले हैं, पृथ्वीपुर हमारा निवास है। आप जिला पंचायत पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मालूम चला है कि आप भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग किए थे, जो कि आपको नहीं मिला। टिकट ना मिलने पे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? टिकट नहीं मिलने का कोई अफसोस नहीं है भाई, टिकट मांगने का हमारा अधिकार था। पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, लगातार 5 वर्ष से अपने इस क्षेत्र में हम चल रहे हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। क्षेत्र भी हम अपने मन से चुनाव नहीं लड़े, 5 साल लगातार क्षेत्र का सेवा किए हैं, क्षेत्र की जनता ने खुद हमें चुनाव लड़ाया है। हमारे गांव सभा के पृथ्वीपुर के मतलब हर वर्ग के लोग, आज हमारे गांव में जाइएगा, किसी भी वर्ग के पास जाइएगा तो वह सीधा कहेगा कि नहीं, हमारे क्षेत्र से जिला पंचायत सत्य प्रकाश सिंह पप्पू को बनाना है। और रहा सवाल टिकट नहीं देने का पार्टी का, तो भाई पार्टी ने हमें उस काबिल नहीं समझा है तो नहीं दिया है, जिसे काबिल समझा है उसे टिकट दिया है, लेकिन हम निर्दल चुनाव लड़ेंगे क्योंकि हमारी क्षेत्र की जनता मांग कर रही है। आज पूरा दिन हमने अपने पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया है और लोग हमसे कह रहे हैं कि नहीं, आप निर्दल चुनाव लड़िए, हम आपको चुनाव जीता करके भेजेंगे। ऐसा सुना जा रहा है कि आप भाजपा से बगावत करके चुनाव लड़ेंगे? अब बगावत तो करना ही पड़ेगा, हम अगर चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी हमें 5 से 6 साल के लिए बर्खास्त करेगी, यह तो पार्टी की प्रक्रिया है, पार्टी अपना प्रक्रिया करेगी, हम अपना कार्य करेंगे। और पार्टी में आप किसी लाभ के लिए चुनाव लड़ रहे हैं क्या? जी नहीं, हमारा समाज सेवा में बचपन से ही रुचि रहा है और बचपन से ही समाज की सेवा का लक्ष्य बनाकर हम चल रहे हैं, और यह राजनीति भी या चुनाव भी हमारे लिए कोई बिजनेस और कोई व्यापार नहीं है, मैं इसे समाज के सेवा के रूप में देखता हूँ और सेवा ही हमारा धर्म है। पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया है, इसका जवाब हम निर्दल चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत करके इसका जवाब